जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को बारामूला के सोपोर में लश्कर ए तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों को पकड़ लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा होगी। जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के 5 सांसदों ने कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा है। लेटर में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की है। निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जताई है। मुंबई शहर के सबसे प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की गणेश प्रतिमा की भी शनिवार को गिरगांव चौपाटी में विसर्जित किया गया। उन्हें विदाई देने के लिए पूरा शहर सड़कों पर निकल गया। मौसम अच्छा होने से एक बार फिर चार धाम यात्रा के लिए लोग जाने लगे हैं। जहां एक हफ्ते पहले तक हर रोज 5,000 यात्री ही चार धाम पहुंच रहे थे, वहीं अब इस हफ्ते की शुरुआत से यह आंकड़ा 25,000 से ज्यादा गया है। हरियाणा और यूपी में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह बड़े हादसे हुए। हरियाणा में महेंद्रगढ़ में झगडोली नहर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। वहीं सोनीपत में यमुना नदी में भी 2 की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में शनिवार को सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब ज्ञान विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तब संसार के सभी संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे लगातार मिली हार से बौखला गए हैं। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर जनता का रिस्पॉन्स बहुत जोरदार है। रणबीर कपूर आलिया भट्ट के लीड रोल वाली फिल्म शुक्रवार को आखिरकार थिएटर्स में पहुंच गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं बेहतर ओपनिंग कलेक्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के वनडे और T20 के कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट में रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। वो रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे।